अगला बर्गर है जो हमारा, हम जहाँ जाएंगे और वो 4400 का वो बर्गर है, उसको लेके मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। ये बर्गर चेक करो, दिस इज 4200 रुपये का बर्गर। ये अंडे वाला बर्गर नहीं है यार, ये मेरे साथ हयात हो गया, धोखा हो गया मेरे। मेल्टिंग चीज़ वेरी नाइस। लेकिन अगर आपको क्लास चाहिए, एक बीफ की क्लास चाहिए, बीफ का एक उमामी फ्लेवर चाहिए, तो फिर भाई दिस इज़ फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनदर वीडियो जो कि फूड के बारे में ही है, लेकिन ये फूड व्लॉग उस तरह से नहीं है जिस तरह हम आमतौर पर जाकर स्ट्रीट फूड कवर करते हैं, ये वो नहीं है। इसके अंदर हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तीन डिफरेंट किस्म के बर्गर्स का, जो कि तीनों होंगे बीफ बर्गर्स। एक वो बर्गर होगा जो कि हमें आमतौर पर मार्केट में अवेलेबल होता है, अंडे वाला बर्गर कह के उसको हम लेते हैं, होता वो बीफ बर्गर या बीफ पैटी बर्गर ही होता है। दूसरा जो बर्गर है वो ऑथेंटिक स्मैश बर्गर है, जो कि बीफ बर्गर होता है, ऑथेंटिक बीफ बर्गर, वो ट्राई करेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे हम अपने जो अंडे वाला बर्गर है उसके साथ, और इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का 4400 रुपीज़ का, पाकिस्तानी रुपीज़ का बर्गर, मतलब इतना सा बर्गर, और है वो 4500 रुपये का। इतना सा बर्गर क्यों इतना महंगा है, क्या उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर अपने पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, ये हम चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर। 400 वाला बर्गर, एक 800 वाला बर्गर, और फिर एक 4500 रुपये वाला बर्गर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हम जो है ना अपने पहले पॉइंट पे आएंगे। पहला पॉइंट जो है ना, ये बर्गर है बीफ बर्गर, हम इनसे ट्राई करेंगे सिंपल जो देसी बीफ बर्गर होता है वो, जिसमें अंडा डाला जाता है, अंडा शामी और बीफ की शामी बनाई जाती है, बीफ और दाल को मिक्स करके, और एक अंडा डाला जाता है उसको फ्राई करके, फेंट फूंट के उसको स्क्रैम्बल्ड एग होता है, उसके साथ जो है वो अंडे वाला बर्गर बनता है। तो वो हम इनसे ट्राई करेंगे, रिजवान बर्गर पे मौजूद है इस वक्त हम जोहर टाउन के अंदर, और अभी इनको इनसे ऑर्डर ले लेते हैं। जी आइएगा भैया। वालेकुम सलाम। अच्छा भैया ना, आपके पास अंडे वाला बर्गर होता है बीफ वाला? जी। ठीक है, कितने का है ये? सिंपल प्लेन बीफ बर्गर है, 400 का। अगर आपने इसमें चीज़ डलवाना है तो ये 440 का हो जाएगा। मुझे लग रहा है महंगा यार, वैसे ही पता नहीं, अरे एक कर देंगे 400 वाला कर देंगे। ठीक है, कितनी देर में आएगा? सात आठ मिनट लग जाएंगे, 7-8-10 मिनट भाई। ठीक है, गुड गुड। अच्छा यार, एक चीज़ हमारे एरिया में ना 200 रुपये का बीफ बर्गर मिल जाता है, बहुत अच्छा डबल अंडा शामी वाला बर्गर जो है ना वो 200 रुपये का मिल जाता है। ये रिजवान बर्गर वाला जो है ना, जो कि एक ब्रांड बन चुके हैं देसी फास्ट फूड के अंदर, एक अच्छा ब्रांड बन चुका हुआ है, तो मेरे ख्याल उस वजह से शायद ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अभी आता है उसको चेक करते हैं। मेरे हिसाब से ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बर्गर जो है ना, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। खा के पता चलेगा, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है क्या है। लो जी, हमारा आ गया है बर्गर टिश्यूज, एंड दिस इज़ द बर्गर। भाईजान, ये हमारा जो है ना, ये आ गया है अंडे वाला बर्गर जो कि बीफ बर्गर है। इसके साथ इन्होंने कोल्सला हमें दिया है, और साथ में ये है आलू के चिप्स, ये है चटनी जो कि आप बहुत ज़्यादा रीफिल करवा सकते हैं, इसे बार बार करवा या बार बार करवा सकते हैं। पहले बर्गर की अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद जो है ना इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ये अंडे वाला बर्गर नहीं है यार, ये मेरे साथ हयात हो गया, धोखा हो गया मेरे। वो वाह यार, वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा बर्गर है यार ये तो। ये इन्होंने भाईजान, ये देखो, ये पैटी देखो, ये चेक करो, ये पैटी पूरी बीफ की पैटी है भाई। मैं समझा था अंडे वाला जितना शामी नहीं बनाए थे, दाल और चिकन, दाल और शामी बना थे, वो चीज़ होगी। देसी चपली कबाब, उनको बीफ बर्गर नहीं, इसको चपली बर्गर रखना चाहिए, बीफ चपली बर्गर। इसमें है क्या क्या? ये अंडा ऊपर चीज़ है, उसके नीचे जो है ये चपली कबाब है, और नीचे जो है ये सॉस लगी हुई है। और इसका एक और फायदा ये भी है कि आधा आधा उन्होंने ऑलरेडी कर दिया हुआ है, या अगर आपके पैसे थोड़े हैं तो आप ये आधा आधा बर्गर खा सकते हैं, मिलके दो दोस्त खा सकते हैं। एनीवे, इसको ट्राई करते हैं। यार ये देखो, बिस्मिल्लाह, ये बिल्कुल ड्राई बर्गर है। देखो, अगर आपने बीफ बर्गर बना ही दिया है, अगर आप इस तरह से इसको पैटी बना के इसको बीफ बर्गर सेल कर रहे हो, थोड़ा सा फैट ऐड करने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन जो कि बजट में रखना है, बजट कंस्ट्रेंट यहाँ पे है। और जो कि मैंने आपको पहले अर्ज किया, ये देसी फास्ट फूड का ब्रांड है, एक ऑथेंटिक फास्ट फूड नहीं है, इसलिए उन्होंने साथ में ये हमें चटनी दी थी कि आपका अगर बहुत फीका फीका लगे, ड्राई ड्राई लगे, तो आप इसको चटनी में ऐसे करके डिप करें, डिप करके उसको थोड़ा सा गीला कर लें, ऐसे करके खा लें। सारा कुछ एक साइड पे कैचअप बहुत ज़्यादा भाई। इस बर्गर का सारा फ्लेवर जो है ना वो इस चटनी के अंदर है। अगर इसमें से आप ये चटनी निकाल दो तो बर्गर बिल्कुल फीका, बिल्कुल ड्राई बर्गर है, आपको फ्लेवर नहीं आएगा। लेकिन जो चटनी जब साथ लगती है ना, तो जो फ्लेवर की किक आती है ना, ओहो बहुत कमाल फ्लेवर है उसका। ये चिप्स हैं साथ में, इसके साथ ये चिप्स मिलते हैं, 400 रुपये आपको चिप्स भी साथ मिलते हैं, इसको भी आप डिप करके खा सकते हैं। सारे पैसे भाई कैचअप के। मेरे ख्याल से जो बर्गर है ना, टोटल कीमत की बर्गर की कीमत 100 रुपये, और जो 350 रुपये है वो कैचअप के हैं। तो चीज़ ऐड करके 450 बनता है। 450 रुपये के अंदर आप अच्छी तरह पेट भर के खाना खा सकते हैं इस बर्गर के साथ। और अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप अपने 200 साल ले आए, 200 रुपये उसे ले लें, बर्गर का एक स्लाइस जो दरमियान से तोड़ के देंगे
आधा आप उसको दे दें, आधा आप खुद खा लें, गोल सलाह के साथ दो चम्मच मंगवा लें, आधा आप खुद खा लें आधा उसको दे दें, और चिप्स के टोटल इन्होंने जो है मैं 15 दाने दिए हैं, 8 आप खुद ले लें, 7 उसको दे दें क्योंकि आपने 250 रुपये दिया उसने 200 रुपये दिया। मुझे लग रहा था शायद महंगा होगा क्योंकि मैं समझ रहा था कि दाल शामी वाला बीफ बर्गर होगा, अंडे वाला बीफ बर्गर, बट ये बीफ बर्गर है भाई। गुड यार, इंप्रेस किया आज रिजवान बर्गर ने, मुझे इंप्रेस कर दिया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ बर्गर मार्ट, वहाँ जाके हम उनका बीफ बर्गर ट्राई करेंगे पॉट वाला, और उसके बाद हमारा आएगा वड्डा बर्गर, जो कि मतलब वड्डा बर्गर पैसों के हिसाब से वड्डा है होगा वो इतना सही, तो भी वहाँ चलते हैं। अच्छा जी, दूसरा जो हमारा पॉइंट है जो हमने कवर करना है वो ये है बर्गर मार्ट, मेरी बैग पे आपको नजर आ रहा है जोहर टाउन के अंदर ये मौजूद है। लाहौर के अंदर अगर बीफ बर्गर की बात करते हैं तो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट बीफ बर्गर इज़ बाय बर्गर मार्ट, जो कि इनका पॉट बर्गर है। उसके अलावा भी आप इससे कोई भी बर्गर ले लें तो इनका अच्छा ही है, क्योंकि पॉट एक स्टाइल है प्रेजेंटेशन का, बीफ वही है जो बाकी बर्गर्स में यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल जो क्वालिटी है वो इनकी बीफ की है। अब इनके पास चलते हैं, इसकी लोकेशन गूगल में आपको मिल जाएगी बड़े आराम से, आप गूगल पर सर्च करें बर्गर मार्ट जोहर टाउन के अंदर आपको मिल जाएगा। ये भजन लाहौर का सबसे बड़ा खड्डा, इसमें तकरीबन 20 फुट नीचे है ये, आगे मैं जा नहीं रहा, मैं दिखा नहीं रहा आपको, फाड़ी ना लैंड में, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे नहीं जा रहा। इसके अपोजिट वैसे भी आप GTG लाउंज सर्च कर लें गूगल पे, या आप बर्गर मार्ट सर्च कर लें, आपको ये मिल जाएगा। अभी इनके पास चलते हैं बर्गर मार्ट। अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है यार? आपका नाम? मैं फूल मोहम्मद ईशान भाई। ईशान भाई यार, लास्ट टाइम याद है मुझे, मेरी शक्ल याद है आपको? चलो अच्छी बात है। अच्छा यार, मुझे ना आपका बीफ बर्गर ट्राई करना है, जो पॉट वाला बर्गर है ना आपका। वैसे ये हमने ऐड ऑन लिखा है इधर, वैसे तो हम दो दे रहे हैं, इसके अलावा अगर आप ऐड ऑन करवा ले, दो करवा ले, तीन करवा ले, चार या पांच, कोई पांच भी होती हैं। जी जी, 600 ग्राम नहीं नहीं इतना नहीं यार, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आप ऐसा करें 3x3 वाला कर दें। ठीक है सर, ठीक है। ये है 790 ना, और 180 इसमें ऐड होगा तो पैटी। अच्छा, 180 की एक पैटी ऐड होगी, ठीक है। और सर्विंग टाइम कितना है इसका? इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगा। चलो इसे जल्दी कर दें ज़रा, हमें आगे बड़ी दूर जाना है वैसे। चलें, बहुत शुक्रिया, कर दें। बर्गर जो है ना, मेरे हिसाब से बर्गर सिर्फ एक पैटी अच्छी होना बर्गर नहीं होता, एक बर्न अच्छा होना, या सॉसेज का अच्छा होना, या सीजनिंग का अच्छा होना, एक चीज़ का अच्छा होने से बर्गर नहीं अच्छा बन जाता। एक जो पूरी माउथफुल बाइट आती है ना आपके पास, जो इसमें बन भी होता है, इसमें सॉसेज भी ऐड होती हैं, कैरमलाइज अनियंस होते हैं, उसके अलावा पैटी के अंदर जो सीजनिंग होती है, गोश्त इटसेल्फ होता है, 80-20 की बीफ की रेशो होती है, और जो सॉस होती है, सारा कुछ जब मिल के बनता है ना, पूरी बाइट बनती, दैट इज़ अ बर्गर। वो भाईजान तरक्कियाँ हो गई हैं, पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे ये ट्रे में लेके आए थे, और ये अभी इन्होंने पूरी ट्रॉली रख ली है, और ये स्पेशल वेपनाइज ट्रॉली है, ये हथियार कहाँ से निकाले हैं आपने? वाह जी, मैं पूरे वेपन रखे हुए हैं आपने। अच्छा जी, तोड़ो इसको। ये कितनी देर में सीखा ये? लो जी, हमेशा की तरह इन्होंने अपना बर्तन पान लिया है। ओ होए, अंदर उबलता हुआ लावा चीज़ का। अच्छा, ये अलग से आई है इसकी, ठीक है, वेरी इज गुड, ओके नाइस। ये गया इसके ऊपर, और ये आएगा, ओए होए होए, मेल्टिंग चीज़, वेरी नाइस। और ये ओए होए होए, माशाल्लाह कमाल, ओ माशाल्लाह भाई जान, ये वेख के मेरे पैसे पूरे हुए ने। चलो घर चलें, अब इसको खाते हैं भाई। थैंक यू। आपका नाम? अली। अली भाई, शुक्रिया अली भाई, आप बहुत अच्छे हैं, उधार अच्छा नहीं है। ये देखो, ओए होए होए, मुझे लगा था थोड़े से जूसेस जो है ना वो बीफ के अपने भी हैं यार, बहुत कमाल। अब ये अच्छा खासा हैवी है, मैं सोच रहा हूँ इसको खाऊंगा कैसे। अच्छा, इसे फोल्ड कर देते हैं, इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत कमाल। 790 + 180, 870 970 के अंदर, 1000 रुपये के अंदर ये बर्गर जो है ना, बहुत रीज़नेबल बर्गर है मेरे हिसाब से। क्या भाई, फुल जूसी बर्गर है, जैसे कहते हैं सही, बीफ को जूसी ही होना चाहिए। अच्छा मैं आपको बता दूँ, टोटल है क्या क्या। पहले बन पे सॉस लगाई है, शायद थोड़ा सा जो है ना उन्होंने आइसबर्ग लीफ जो है वो भी उन्होंने चॉप करके इसमें डाला हुआ है, टमाटर डाला हुआ है, अपनी सॉस डाली हुई है इसके अंदर, थोड़ा चीज़ है, और ये साथ में पैटीज़ हैं। इस तरफ भी जो है तकरीबन यही चीज़ें हैं, टमाटर शमाटर है इसके अंदर, और ये तीन पैटीज़ हैं। ये देखो, मेरे ख्याल 150 ग्राम की एक पैटी है, जो कि तकरीबन 450 ग्राम, तकरीबन आधा किलो बीफ आप इसके अंदर खाते हैं, आधा किलो कीमा। अब आधा किलो कीमे की हम वैसे ही निकालते हैं, आधा किलो कीमा तकरीबन हमारे पास आता है 450 रुपये का, आधा किलो कीमा आता है, तो 450 रुपये तो खाली यही हो गए। फिर इसमें सीजनिंग है, इसमें जो उन्होंने इसको ग्रिल किया है वो है, और सारी कॉस्ट इसके अंदर निकाल कूल के तकरीबन 790 में है, तो बहुत रीज़नेबल है मेरे हिसाब से। अब 3 पैटीज वाला निकालते हैं तो 970 में, इसमें सॉस भी ऐड करें आप, इनकी मेकिंग भी ऐड करें, फिर यहाँ के खर्चे ऐड करके, तो ये तकरीबन 970 जितने में भी इनको कॉस्ट करता है, लेकिन 970 में भाई ये कंज्यूमर के लिए बहुत बारे में, बहुत कमाल का। अगर आपको इस तरह का बर्गर 970 में मिल रहा है
तो मेरा हिसाब है जब तक इनको अकल आती है आप इसको इतना इंजॉय कर सकते हैं कर लें। एक और चीज़ जो मुझे नज़र आई ना, इन्होंने अपने बीफ के अंदर खाली बीफ नहीं आई है, इसके अंदर उन्होंने प्याज श्याज भी डाले हुए भजन। ये इन्होंने बहरहाल जैसी भी इनकी सीजनिंग है जो भी इन्होंने लगाया, मेरे ख्याल से अंडर कट बीफ होगा। अंडर कट बीफ के अंदर थोड़े से इन्होंने अनियन डाल के प्याज प्यूज डाल के इन्होंने इसकी अच्छी तरह से इसको थोड़ी देर रखा होगा। ग्रीन चिलीज भी डाली होंगी, इसके अंदर सीजनिंग डाल के रखी हुई है। इसको यहाँ पे सिर्फ ग्रिल करते हैं, ऊपर से कोई सीजनिंग मेरे ख्याल ये नहीं करते हैं। तो ये टमाटर भी है, कच्चा टमाटर, अगर आपको खाने का शौक़ है तो खा सकते हैं, नहीं तो मुझे भिजवा देना। आई लाइक टमाटर, कच्चा टमाटर। ये देखो मैंने खा खो के इसका क्या हाल कर दिया भजन। और एक चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये है कि थोड़ा सा ना ये टिल्ट हो रहा है मीठे की तरफ, तो शायद बन मीठा हो गया भाई। अगर ये ऐसा है और अगर कोई और आप में से भी कोई इसको फीडबैक दे देता है, इनको इस तरह का फीडबैक दे देता है, तो ये इसको इम्प्रूव करना चाहिए इनको। बाकी बीफ तो अगला बर्गर है जो हमारा, हम जहाँ जाएंगे और वो 4400 का वो बर्गर है, उसको लेके मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। एक तो वो वैग्यू बीफ है, वो लोकली अवेलेबल नहीं होता। वैग्यू एक स्पेशल ब्रीड होती है जो जापान में की जाती है, जापान में उसकी ब्रीडिंग होती है, उसकी फार्मिंग भी जापान में होती है। बड़ी मुश्किल तरीके से उसको बनाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब उतना कमाल का फैट होता है उसको कि उसके हाथ के टेम्परेचर के ऊपर, जो हाथ का बॉडी टेम्परेचर है उसके ऊपर उसका फैट पिघलना शुरू हो जाता है। अराउंड 1000 हमें कॉस्ट किया है, तो 1000 के हिसाब से बेहतरीन है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बर्गर की तरफ जो कि है 4400 का। अगर आप यहाँ पे आते हैं बर्गर मार्ट खाने के लिए, बर्गर मार्ट पे बर्गर खाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे ना इस टाइम ट्रैफिक जो है ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे खड्डा पड़ा हुआ है 20 फुट गहरा, थोड़े दिन पहले यहाँ पे पड़ा, अभी तक वो जो है सही तरह से उसका काम होने से कम मरम्मत जारी है उसकी, तो आपको ट्रैफिक का फ्लो यहाँ पे बहुत तंग करेगा। लो जी अभी हम पहुँच गए अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, ये है जी अमावी रेस्टोरेंट। ये काफ़ी फेमस पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे जो है ग्रैबियो मील जिम भी है, आगे लेयर्स बेक शॉप भी है, ये ठंडा गर्म भी है, यहाँ पे डेलिश पिज़्ज़ा बार भी है, और वहाँ पे जो है नोवू भी है। तो ये एक प्रॉपर एक जो है ना फूड इनके एक स्ट्रीट सी बनी हुई है, थोड़ा सा एरिया है जिसमें ये सारा रेस्टोरेंट्स वगैरह इसमें बने हुए हैं। यहाँ पे हम अपने लास्ट पॉइंट पे आए हैं जो कि है अमावी के नाम से। इनके पास एक स्पेशल बीफ बर्गर होता है, वैग्यू बीफ बर्गर। मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बीफ बर्गर इन लाहौर, मेरी नाकस मालूम के मुताबिक। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इतना एक्सपेंसिव बीफ बर्गर ये दे रहे हैं। ठीक है वैग्यू बीफ है, समझ में आता है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव है, क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है? लेकिन एक मसला ये भी है कि रिसेंटली टीम हॉर्टन्स पाकिस्तान में आया है, उसने DHA फेस 6 के अंदर अपनी ओपनिंग की है, पहली ब्रांच उन्होंने फेस 6 के अंदर खोली है। दिस इज़ वन ऑफ द पोश एरियाज ऑफ लाहौर, तो यहाँ पे लोगों के पास बाइंग पावर है। इनकी देखा देखी बाकी लाहौर वाले भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया पे कोई चीज़ की हाइप होती है तो पूरी आवाम पाकिस्तानी जो है वह फटाफट पहुँच जाएगी। अगर आपको नज़र आए कि पाकिस्तान के अंदर के कोई बंदा जो है MBA कर रहा है और उसकी बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है, तो पूरा पाकिस्तान MBA करने टूट जाता है, ये नहीं देखता कि MBA उसने कैसे किया या उस बंदे के अपने अंदर क्या स्किल्स हैं। इसी तरह से अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है तो नज़र आ रही है उनका फलाना फलाना खाला का मुंडा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनया साडा, तो बड़े पैसे कमाता, बड़े नोट छापता, डालरों से पैसे आते हैं, तो पूरा पाकिस्तान जनाब चुक के मुँह चुक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा डिलेमा है इस पाकिस्तानी कौम का। हमारे साथ भी यही मसला, हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अभी भी आप देख लें किसी भी चीज़ का ट्रेंड आएगा तो फौरन पूरी आवाम उसके ऊपर चल जाती है। कोई छोटी सी चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल होने की देर है, पूरा पाकिस्तान उसके ऊपर जो है ना कंटेंट बनाना शुरू कर देता है। तो रिसेंटली बहरहाल जो है टीम हॉर्टन्स आया था, उनको DHA वालों ने काफ़ी उसको लाइक किया। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि हो सकता है उनका कोई रिलेटेबल चीज़ मिल जाती है आपको, एक आप कनाडा, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत से लोग कनाडा जाते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन जो होती है वो कनाडा की होती है, तो कनाडा का ब्रांड है, कनाडा का ब्रांड जब पाकिस्तान में आया तो दे फील लाइक होम कि वापस हम कनाडा में फिर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है हम कनाडा में फिर रहे हैं, तो इसलिए शायद वो चले गए होंगे पीने के लिए, लेकिन सब पहुँच जाते हैं। तो बात खैर टॉपिक से हट गया, एक बात और भी करता चलूँ कि अगर आपको ये लगता है ना कि घर बैठे यूट्यूब तो पैसे कमाओ, तो ये भाई सब बकवास है, मैं घर नहीं बैठा हुआ। अगर हम भी कमा रहे हैं पैसे, जो भी आप देख रहे हैं, जिसको भी YouTube पे देख रहे हैं, घर बैठे YouTube से पैसे नहीं कमाए जा सकते, बहुत मुश्किल काम है। चंद एक चैनल्स होंगे जो कुछ इस तरह का कॉन्टेंट बना के अपना काम चला लेते होंगे, लेकिन YouTube इज़ अ फुल टाइम जॉब। लोग समझते हैं जी कि YouTube पे बस आपको चैनल बनाने की देर है और आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मुझे तकरीबन 4 साल हो गए काम करते हुए, सीरियसली काम करते हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होता। एनीवेज बैक टू द पॉइंट कि अमावी के अंदर हम आ गए हैं, मतलब अमावी हम आ गए हैं, हमें ये चेक करना है कि वाकई ये इतना महंगा है सिर्फ इस वजह से महंगा है क्योंकि ये DHA में है, या जो भी क्वालिटी या क्वांटिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से ये प्राइस जस्टिफाइबल है या नहीं है। तो अभी वेट करते हैं इनको, अभी इनको बुलाते हैं, उनको ऑर्डर करते हैं। अच्छा भजन, आपके पास एक बीफ बर्गर है, वैग्यू बीफ बर्गर, वो किधर है मेन्यू में? वैग्यू बीफ बर्गर की प्राइस है जी 4200, कैरमलाइज ऑनियन विद हाउस मेड सॉस ऑन ब्रोश बन। बीफ बर्गर के अंदर ब्रोश बन यूज़ कर रहे हैं। एनीवेज दिस वन, अभी जो है इसे ये मंगवाते हैं।
आप हमें गाड़ी में सर्व कर देंगे? चलें कर दें, एक कर देंगे। साथ में इसके क्या क्या होता है? सिर्फ फ्राइज होंगे, ड्रिंक साथ नहीं है। चलें ठीक है, आप कर दें। लाइन जी, लो जी बर्गर आ गया हमारे सामने, हमारे पास। ओके नाइस। देखो भाई ये 4200 का बर्गर है भाई, सारा कुछ अपनी जगह पे, प्रेजेंटेशन और जो सर्विंग है ना वो बड़ी कमाल है इनकी भाई। ओ बाबा जी ये बर्गर चेक करो, दिस इज 4200 का बर्गर इन लाहौर। ये कहीं मैं यूके में यूएसए में बैठा हुआ नहीं कह रहा आपको कि इतने डॉलर्स के साथ ये बर्गर है, ये एक्चुअली 4200 का 4200 PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में ये बर्गर है। इसके साथ इन्होंने जो हमें ये फ्राइज़ दिए हैं, ये फ्राइज़ जो है ना इसके ऊपर इन्होंने शायद हर्ब्स डाले हैं और ओरिगैनो है या पता नहीं जो भी है, वो चेक करना पड़ेगा खा के क्या है इसके ऊपर। हो सकता है मुझे पता ही नहीं चले क्या डाला है। कोई चटनी नहीं देती नॉर्मल, कोई चटनी, ये क्या तरीका हुआ पाँव पाँ करके चटनी मांगने वाला, कोई तरीका नहीं है भजन। कोई सॉस नहीं है इसके साथ, कोई कैचअप नहीं है, नथिंग, सूखे चिप्स। हो सकता है सॉस के भी 500 रुपये मांग लेंगे, कोई पता नहीं जितने जितने महंगे मेरे, पता नहीं क्या लगा हुआ मुझे नहीं पता। वाह जो भी है चिप्स है बहुत कमाल के। अब इसका दीदार आपको करवाते हैं, ये है क्या असल में मुझे। दिस इज़ 4500 वाला बीफ बर्गर, जो बीफ खाने वाले लोग हैं ना उनके लिए गोल्ड है ये, गोल्ड। ये वैग्यू बीफ है और इतना जूसी है, ये बीफ का अपना जूस है सारा सारे का सारा। मैं नीचे टिशू रख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे कपड़े लिबड़ जाने हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि इसके ऊपर इन्होंने वही चीज़ है कि सॉस लगी हुई है, ऊपर जो है आइसबर्ग लेटस है, फिर चीज़ है, फिर ये वैग्यू बीफ की पैटी है और नीचे फिर सॉस है। इसके अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये सिंपल बीफ बर्गर है जिसमें कोई टमाटर नहीं है, कैरमलाइज ऑनियंस हैं ऑब्वियसली, ये कैरमलाइज ऑनियन की भी एक लेयर लगी हुई है इसके अंदर, क्योंकि हल्की हल्की एक मिठास होती है उसमें। भाई जान अगर आप बीफ खाने के शौकीन हैं, बीफ को पसंद करते हैं, बीफ की जो स्मेल होती है, जो गोश्त का उमामी फ्लेवर है, अगर वो आपको मज़ा देता है, आपके लिए है ये बीफ बर्गर, आप यहाँ पे आ जाएं। अगर आप इतने शौकीन आदमी हैं, वैग्यू खाने को समझते हैं, वैग्यू को समझते हैं, क्योंकि वैग्यू मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाया और ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बीफ है भाई। इसका पाकिस्तान में जो मिलता है, जितना मर्ज़ी अच्छा बीफ लें, जितना मर्ज़ी आप अंडरकट लें, उसके लेवल तक आप कभी भी नहीं पहुंच सकते जो वैग्यू बीफ है। इतना ये कमाल का होता है, इतना टेंडर मीट है, इसका जो फैट होता है वो इतना मतलब कि कमाल का होता है कि आप उसको अगर हाथ पे रखेंगे तो हाथ पे उसकी चर्बी पिघलना शुरू होती है, गोश्त की चर्बी। इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों है मेरे ख्याल से, मुझे ये लगता है कि इसको जो इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करने के बाद इसको मेंटेन करना, इसको रखना, इसको संभालना, इसको बनाना, इसको कुक करना, ये सारे का सारा एक प्रॉपर शेफ इसके लिए चाहिए, वो सारे का सारा इसकी कॉस्ट में ऐड होकर इसकी कॉस्ट बन रही है। प्लस जिस जगह पे ये बैठे हुए हैं उसकी वजह से शायद इसकी सारा कुछ मिला के इसकी कॉस्ट बन रही है। लेकिन अगर आप इसको आम बर्गर से कंपेयर करेंगे तो आपको ये इतना अच्छा नहीं लगेगा पेट भरने के लिए। 4200 में ये बर्गर मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको पेट ही भरना है, अच्छा बीफ बर्गर खाना है, तो आप जा सकते हैं आम बर्गर की तरफ, किसी भी बर्गर मार्ट का खा सकते हैं, इवन के रिजवान बर्गर का भी खा सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको क्लास चाहिए, एक बीफ की क्लास चाहिए, बीफ का एक उमामी फ्लेवर चाहिए, तो फिर भाई दिस इज़ फॉर यू। सॉसेज ठीक है, सॉसेज अच्छी हैं, लेकिन इसमें सारे पैसे इस पैटी के हैं भाई। कमाल वैग्यू है क्या? वैग्यू इज़ जस्ट अनदर बीफ जिसके अंदर थोड़ी सी स्मेल ज़्यादा है, बीफ का अरोमा ज़्यादा है, बीफी फ्लेवर ज़्यादा है, फैटी फ्लेवर ज़्यादा है उसके अंदर, और उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अगर आप मज़े की चीज़ खाने के लिए समझ लें कि 4200 के अंदर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और 700 वाला बर्गर खा के या 800 वाला बर्गर खा के आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेरे हिसाब से 700-800 वाला बर्गर खा के ज़्यादा मज़ा आएगा, इवन 400 वाला बर्गर रिजवान बर्गर का खा के भी आपको इससे ज़्यादा मज़ा आ सकता है, क्योंकि एक तो जेब पे हल्का रहेगा और दूसरा आपको तसल्ली रहेगी कि भाई आपका पेट भर गया। इस बर्गर के अंदर आप 4200 के अंदर पेट नहीं भर सकते अगर आपके पास चिप्स ना हो, लेकिन चूंकि चिप्स साथ हैं इसलिए आप इसके अंदर फ्राइज़ की वैसे फ्राइज़ चूँकि एक हवा जो मतलब एयर फिल कर देते हैं, तो इसलिए आपको लगता है कि आपका पेट भर गया। और अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इनशाला आपसे मुलाकात करें अगली वीडियो के अंदर। दिस इज माय इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम। आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है, लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।